हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने पोको एक्स थ्री में यहाँ पर जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन का अपडेट आया हुआ था एंड्रॉयड 12 पे, उसको मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पर इसको मैं जो है लगभग एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं इस रोम के बारे में आपको कम्प्लीट रिव्यू दूंगा कि मतलब ये किस टाइप का रोम है, बैटरी बैकअप कैसी है, हीटिंग इशू है कि नहीं, गेमिंग के मामले में कैसा है। एंड यहाँ पे ओवरऑल सारी टेस्टिंग भी करके मैंने रखी है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा, लाइक सीपीयू थ्रॉटलिंग, वाइड वाइन एल1 एंड यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखोगे इस रोम से रिलेटेड। ये ग्लोबल स्टेबल रोम है, तो यहाँ पर किस तरीके की है, किस टाइप की है, आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो MIUI वर्ज़न आपको देख सकता हो फॉर पोको करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसका वर्ज़न यहाँ पे 13.0.1.0, लगभग इसको 10 से 12 दिन हो गए हैं इसको यहाँ पर रोल आउट हुए। तो मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता सकता हूँ अच्छे तरीके से कि यहाँ पर ये जो रोम है ये कैसा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं क्या कर सकते। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ गाइज, अभी तक आपने जितने भी पोको एक्स थ्री में एंड्रॉयड 12 बेस्ड MIUI रोम यूज़ किए होंगे उसमें आपको हीटिंग इशू ज़रूर मिला होगा। ठीक है, हीटिंग इशू तो सब, मतलब इतने सारे रोम हैं इसके तो सब में आपको मिला ज़रूर होगा, बस कुछ ऐसे गिने चुने होंगे जिसमें नहीं मिला होगा। एंड यहाँ पे पोको एक्स थ्री में जो एंड्रॉयड 12 बेस्ड रोम आते हैं उसमें भी आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है, बट ये जो रोम है ना इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात आप समझ लो मेरी, जब आप कोई बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर टास्क पूरा कर रहे हो अपने फ़ोन में तो थोड़ा सा आपको हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है, बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे एब नॉर्मल हीटिंग नहीं है इसमें, आप फ़ोन को लॉक करके रखे हो या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो भी हीटिंग इशू देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। जो कि यहाँ पर ये स्टेबल वर्जन है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इसमें हीटिंग इशू देखने को मिले, जो पोर्टेड रोम होते हैं उसमें थोड़े बहुत आपको देखने को मिलते हैं। पोको एक्स थ्री में अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा रोम नहीं आया जो बिल्कुल स्टेबल हो पोर्टिंग के मामले में। कुछ रोम हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई भी नहीं है, कुछ हैं लेकिन उसमें आपको जो है लगभग हीटिंग इशू तो ज़रूर देखने को मिल जाता है, बट इसमें देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोको एक्स थ्री यूज़र्स के लिए, मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ भी कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पर मोनेट इनेबल किया है एंड यहाँ पर ये जो कंट्रोल सेंटर है ये मीडिया ऑडिया सारा मैंने इनेबल किया है। तो अगर इस पर वीडियो आपको चाहिए कि आप इस तरीके से अपने फ़ोन को कैसे बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आप लोग के लिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कर दूं या नहीं करूं। ठीक है, ऑल स्पेक्स में जाओ, देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 तो इसमें देखने को मिल ही जाता है। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो भी यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन का देखने को मिलता है, वर्जन आप लोग जानते ही हो कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की हैं। सबसे पहले तो इसका जो लॉन्चर है मैंने यहाँ पर जो है पोको लॉन्चर जो लेटेस्ट वर्जन का है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है और अच्छी हो गई, लाइक ऐप स्पीड जो है क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि इस पे ये चीज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो तो इस पे भी आप कमेंट करो, तो वीडियो आप लोग के लिए सारी इससे रिलेटेड आ जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इस रोम का आपको जो है रिव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है इसको यूज़ किया एंड कैसी मुझे जो इसका आउटपुट देखने। एंड एक चीज़ आप लोग को और बता दूँ कि इसमें मैंने MIUI का डायलर, MIUI का कॉन्टैक्ट एंड मैसेजिंग ये भी इंस्टॉल कर लिया है, तो इस पे भी वीडियो चाहिए तो बताना, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल ये जो है बेस्ट रोम हो चुका है मेरे लिए पोको एक्स थ्री के लिए इस टाइम पर, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर इसका एंटूटू बेंचमार्क मैं आप लोग को दिखाऊं, मतलब स्कोर कितना आया हुआ है, स्कोर काफ़ी ठीक आया हुआ है यहाँ पर, जो गेमिंग के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्कोर आया हुआ, हालांकि 3 लाख के करीब यहाँ पर इसका स्कोर आता है, बट यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आप लोग को। तो ये स्कोर आपको आप देख सकते हो इस तरीके से मिलता है, लेकिन कोई बेकार स्कोर नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि जो रोम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। गीकबेंच स्कोर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो गीकबेंच स्कोर है कुछ इस तरीके का है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर वाइड वाइन L1 की बात करूँ अगर मैं, तो आपको देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल L1 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर रहा हूँ देख सकते हो, एंड मैंने सारी काफ़ी सारी कंटेंट देखे हैं तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप लोग को। तो आप लोग को बता दूँ कि मेरा फ़ोन अभी इस टाइम पर रूट है, तो आपको सेफ्टी नेट यहाँ पर पास देखने को नहीं मिलेगा, बट बाई डिफ़ॉल्ट सेफ्टी नेट पास रहता है जो ऑफिशियल अपडेट आते हैं MIUI के
कंपनी की तरफ से जो रोल आउट किए जाते हैं उसमें पास रहता है। तो अभी मेरा फ़ोन जो है रूट है, ये सारी सेटिंग्स जो मैंने इनेबल की हैं रूट के थ्रू ही होगा। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको फेल देखने को मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैजिस के थ्रू जो है सेफ्टी नेट को पास किया है, तो मैं सारे बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखी अभी तक। तो बात करते हैं यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग की। यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग की मैं आप लोग को दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था लगभग, यहाँ पर देख सकते हो सीपीयू थ्रॉटलिंग कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। CPU throttle 288% of its max performance, जो कि यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक है, कोई बेकार नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो इस तरीके से बन गया है ना, जो बचपन में हम लोग सीनरी बनाया करते थे, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से वो पूरा इस तरीके का देखने को मिलता है आप लोग को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर 88% है, तो यहाँ पर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यूज़ किया है, मैं फिज़िकली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से कि ये रोम किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PUBG भी प्ले किया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही अच्छा चल रहा था। एंड यहाँ पे जो कॉन्फ़िग फाइल है मैंने डाली हुई है इसमें, तो मुझे 90 FPS पे मैं प्ले करता हूँ, एंड यहाँ पर जो रिकॉयल है वो भी नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग के भी मामले में। एंड यहाँ पे हीट नहीं करता, ये सबसे अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इस रोम में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, मतलब बैटरी बैकअप बहुत ही प्यारा बैटरी बैकअप है इस रोम में, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप रोम होगा आप लोग के लिए अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो। एंड बाकी जो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दिया। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कैमरा कुछ इस तरीके का UI देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, देख सकते हो ये सारे चेंज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मोर पे जाओगे तो मोर पे सारी चीज़ें परफेक्ट काम कर रही हैं, कैमरे में कोई भी सिंगल इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ चल रही हैं। एंड जो फ़ोटोज़ आ रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मोनेट इनेबल किया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। एंड बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, सेटिंग सारी यही आपको इसमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिल रहा इस टाइम पर। लेकिन जो एनिमेशंस है यहाँ पर थोड़े से अच्छे हो गए हैं, एंड यहाँ पे जो ये ब्लर इन्होंने इनेबल कर दिया है कंट्रोल सेंटर में और इसमें नोटिफिकेशन पैनल में, तो ये मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। एंड यहाँ पे जो ये देख सकते हो नोटिफिकेशन का जो वैल्यूम बार है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, इसमें भी इन्होंने बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट इनेबल कर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ओवरऑल जो एनिमेशंस है जो 120 हर्ट्ज़ है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी लैग कोई भी स्टटर आपको इस रोम में देखने को मिलेगा ही नहीं, बहुत ही अच्छा रोम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टेबल वर्जन है तो आपको जाहिर सी बात है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलेंगी, हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, जो भी अपडेट वो लोग दें तो वो एकदम अच्छे दें और कोई भी दिक्कत ना हो उसमें। तो आपको बहुत ही जल्दी ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल तौर पे, अभी ये पायलट टेस्टर्स को ही मिला है। तो इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, इंस्टॉल आप जो है रिकवरी से इसको फ्लैश कर सकते हो, इस रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग वहां से कर लेना। तो देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, स्टेटस बार में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आप लोग को। एडिशनल कार्ड्स वर्ड्स का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है देख सकते हो यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है यहाँ पर, इसको मैंने इनेबल किया है। अगर आपको करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सारी चीज़ें जैसे मैंने अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ किया वैसे आप लोग को करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सब पे मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। होम स्क्रीन में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हो, तो होम स्क्रीन में देख सकते हो लेटेस्ट वाला लॉन्चर मैंने जो इंस्टॉल किया था जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट काम कर रही हैं। बैटरी के मामले में सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती हैं, परफॉर्मेंस मोड बैलेंस बैटरी सेवर ये सारे ऑप्शन आपको एंड्रॉयड 11 में भी देखने को मिले होंगे। स्पेशल फीचर्स में ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, गेम टर्बो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इसको अगर आपको गेम टर्बो इंस्टॉल करना है इसमें 5.0 वाला, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, बहुत सारी रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, लाल वाला बटन ज़रूर से दबा देना। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी में एक नया अपडेट आया हुआ है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पे इसको मैंने अलाउ कर दिया, ओके कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टैब देखने को मिलता है, एंड इस टैब को अगर आप क्लिक करते हो इस तरीके से तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल्ड देखने को मिलते हैं, गूगल असिस्टेंट एंड पावर वॉल्यूम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर साउंड की बात करूँ तो यहाँ पर जो साउंड का जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है इस रोम में, तो कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हो रीप एंटर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो आप लोग।
तो बहुत ऐसी सारी वीडियोज़ हैं जिसके लिए आप लोग को मुझे बनाना भी बहुत सारे वीडियोज़, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो यहाँ पे चैनल को, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल ये रोम है एंड बहुत ही अच्छा रोम है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप, या फिर अगर हीटिंग की बात करें तो हीटिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल हीटिंग्स देखने को मिलती हैं। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, चार्जिंग के जो टाइम यहाँ पर है 33 वॉट से अगर आप इस फ़ोन को चार्ज करोगे इस रोम पे, तो आपको लगभग यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। मेरा यहाँ पर हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। 6000 mAh की बैटरी आपको 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में अगर फुल चार्ज देखने को मिल जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चार्जिंग स्पीड में भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम किया है, तो यहाँ पर काफ़ी से तरीके से जो है चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रोम है। आप जल्दी से इसको इंस्टॉल करो, इसी को यूज़ करो, कोई कस्टम रोम अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो MIUI पे बेस्ड हो और Android 12 पे हो, क्योंकि अभी स्टेबल कोई भी स्टेबल MIUI का Android 12 का रोम इसके लिए अभी नहीं आया है Poco X3 के लिए। जब कोई यहाँ पर स्टेबल रोम आएगा Android 12 पे बेस्ड पोर्ट रोम, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दे दूँगा। फिलहाल के लिए यही सबसे अच्छा है। एंड यहाँ पे जो AOSP रोम की बात करूँ अगर मैं, जो पोको X3 के लिए हैं, जैसे AOSP बेस्ड रोम होते हैं कोरोस, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड 12 पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस दे देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके, बाय बाय गाइज़।